कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मजे में होंगे। आप लोगों से मिल रही हौसला अफजाई और कमेंट्स मुझे और आगे अच्छा करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए तरह तरह की रोज नई डिशेस लाती रहूँ और अपने ट्रेडिशनल मेथड से। मेरी कुकिंग की खासियत यही होगी कि वो सिंपल भी होगी, घरेलू भी होगी और कोशिश रहेगी कि वो हेल्दी भी होगी। तो आज मैं आपके साथ आपका ऑन डिमांड रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। मैं आपके लिए आज दाल मखनी की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें मैं कोई दाल मखनी मसाला या ऊपर से गर्म मसाला नहीं ऐड करूंगी, ये घर के मसालों के साथ ही बनेगी और ये मेरी नानी की सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने अपनी मम्मी से सीखी। चलिए हम शुरुआत करते हैं दाल मखनी बनाने की। दाल मखनी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी उड़द की दाल, ये इसे मां साबुत दाल भी कहते हैं, उड़द की काली दाल। साथ में हमें चाहिए होगी राजमा। अगर हम दो कटोरी छोटी दाल ले रहे हैं तो हमें आधी कटोरी राजमा चाहिए होंगे और थोड़ा सा दूध, मक्खन और मोटी इलायची, क्रीम। दोस्तों हमें चाहिए होंगे इस तरह से अदरक कटा हुआ और लंबे कटे हुए प्याज, और हमें चाहिएगी टमाटो प्यूरी, ये मैंने घर पर ही टमाटर पीसे हैं। साथ में नमक, लाल मिर्च, और हमें इसके लिए जो दो इंग्रेडिएंट जरूरी चाहिए होंगे, जो बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जिनके साथ ही दाल बेहतर बनती है, वो है सरसों का तेल और मेथरे यानी मेथी दाना। ये मैं आपको बताती हूँ कब और कैसे हमें डालना है। साथ में हमें चाहिए होगा तड़के के लिए बाद में बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ लहसुन। तड़का ऑप्शनल है, आप ना भी लगाएंगी तो भी दाल बहुत अच्छी बनेगी। साथ में हमें इसके लिए चाहिए कसूरी मेथी और मोटी इलायची। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अब हम प्रोसीजर की कि हमें पहले क्या करना है। प्रेशर कुकिंग के लिए प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब मैं इसे गैस पर चढ़ाती हूँ। चलिए इसे गैस पर चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने लंबे कटे हुए प्याज और अदरक काटा हुआ था, ये हम इसमें डाल देंगे। ये डेढ़ प्याज के लगभग हम डालेंगे और एक इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे तीन टमाटो की प्यूरी, तीन मोटे लाल टमाटर हैं उनकी मैंने प्यूरी बना रखी है और ये अभी इसमें सभी डाल जाएंगे। और दोस्तों इसमें जाएगा नमक, अभी मैं इसमें दो टीस्पून नमक डाल रही हूं। और दोस्तों इसमें जाएगी लाल मिर्च, लाल मिर्च मैं इसमें एक टीस्पून डाल रही हूं। अब हमने सब मसाले इसमें डाल दिए, प्याज, टमाटर, अदरक, इनमें मैंने लहसुन भी डाल देती हूँ थोड़ा सा मैं इसमें लहसुन भी डाल देती हूँ, बाकी हम तड़के में डालेंगे। दोस्तों अभी कुकर का लिड बंद करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि दाल मखनी में कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाता है जिससे उसका बेसिक फ्लेवर आता है। तेल दोस्तों गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पहले डालूंगी मोटी इलायची। दोस्तों इस समय मैं सरसों का तेल ही डालूंगी क्योंकि सरसों के तेल से ही अच्छा फ्लेवर आएगा। दोस्तों ये रेसिपी मैंने अपनी नानी से ली, मेरी नानी बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उन्होंने मेरी मम्मी को सिखाया और मैंने भी कुछ कुछ उनसे सीखा। अब हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना मैं आधा टीस्पून डाल रही हूं। बस मेथी दाना जैसे ही चटकने लगे हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमने इसको सिर्फ लाल करना है, काला और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। दोस्तों अब हम कुकर की गैस बंद कर देंगे और इसे अच्छे से दाल गल जाए तब तक पकाएंगे। पहली दो हम फुल फ्लेम पर सीटियां आने पर हम गैस से कम कर देंगे और इसे हम आधे घंटे से, हाँ जी, लगभग 30 मिनट तक हम कम आंच पर इसे पकने देंगे। तो दोस्तों मैं इसकी गैस कम कर रही हूँ, दो पिसल देने के बाद मैं कुकर की गैस को कम कर रही हूँ। इसको 30 मिनट तक मैं यूं ही पकने दूंगी क्योंकि पानी इसमें मैंने काफी खुला डाला हुआ है। एक दो कटोरी छोटी कटोरी के करीब दाल है और आधी कटोरी के करीब राजमा है, तो मैंने इसमें 2 से 2.5 ग्लास पानी डाला हुआ है और ये दाल अच्छे से अब पकती रहेगी। दाल आधा घंटा पक चुकी है और मैंने इसकी गैस बंद कर दिया और इसमें पानी भी काफी सूख चुका है और दाल लगभग गल चुकी है। आप देख रहे हैं दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी। दोस्तों दाल अब बिल्कुल पक चुकी है, जिस तरह से हमें गली हुई दाल चाहिए थी बिल्कुल वैसे तैयार है और हम तड़के की तैयारी करते हैं।
अभी हम बटर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल में ही तड़का लगाएंगे। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं घर पर खाना बनाऊं तो हेल्थ भी थोड़ी रहे, मैं नहीं चाहती बहुत हैवी बने ये दाल। दोस्तों तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। और हींग, हींग और जीरा तड़के में डलेगा, पहले नहीं डाला हमने। और इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन बारीक कटे हुए, साथ में डाल देंगे हम और इसे अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों अब हमें तड़के को ब्राउन करना है अच्छे से, जब भी हम दाल में तड़का लगाएं तो ब्राउन करना बहुत जरूरी है प्याजों को। ऐसे करने में हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। दोस्तों अब तड़का अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हमने इसे एक तरफ कर दिया है ताकि तेल जो है सेंटर में आ जाए। अब तड़के को एक तरफ करने के बाद जो बीच में थोड़ा सा तेल आ जाता है तो इसमें मैं ये कसूरी मेथी डालूंगी, ये 2 पिंच कसूरी मेथी मैं डालूंगी इसमें, लगभग आधा टीस्पून, और इसे चलाऊंगी और तड़के में मिक्स कर दूंगी। बस कसूरी मेथी हमने तेल में डाली और साथ ही हमने इसे प्याजों में मिक्स कर दिया। और अब हम इसमें 3 टमाटरों की प्यूरी डालेंगे, पहले हमने 3 मोटे टमाटर डाले थे, अब ये 3 छोटे, यानी कि आप 2 टमाटरों की प्यूरी डाल सकती हैं। और इसे अच्छे से चलाएंगे। दोस्तों देखिए अच्छे से टमाटर जो है तड़के में मिक्स हो गए हैं और इन्होंने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक और मिर्च, आधा टीस्पून हमने नमक पहले दाल में डाला था और आधा टीस्पून हम अब डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा हम नमक भी डालेंगे आधा टीस्पून के करीब। दाल में हम 2 टीस्पून नमक मेरे ख्याल से हम पहले डाल चुके हैं, तो इतना क्वांटिटी बहुत होगी। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से अब इस तड़के को हम दाल में डालेंगे। अब मैं दाल को इधर ले आती हूँ, गैस के ऊपर फ्लेम के ऊपर रखते हैं और ये तड़का हम दाल में पोर कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए अब कितना सुंदर रंग आ चुका है दाल का, लाल एकदम, बहुत रंग। हमने ऊपर से कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला, हमने कोई बाजार की टमाटो प्यूरी नहीं डाली, ये राजमा और दाल का अपना कलर है। अब इसको एक उबाला आने देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दाल में अच्छे से उबाला आ गया है, इसे 2 मिनट हमने गैस पर तड़का डाल के रखा है तो ये आराम से उबलने लगी है। अब इस उबलती हुई दाल में हम सबसे पहले हम फिर से कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, 1 पिंच, पहले हमने 2 पिंच डाली, अब 1 पिंच डालेंगे और इसे हिलाएंगे। और जब हम घर पर दाल बनाते हैं तो मेरी कोशिश रहती है कि स्वाद, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ कि अच्छा है, लेकिन हैवी और रिच उतनी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें आधी क्रीम डालूंगी और आधी दूध की क्वांटिटी होगी, मैं इसमें लगभग 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के मक्खन, और दोस्तों अब इसमें जाएगी क्रीम। आप फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, नहीं तो घर पर जो दूध की ताजी मलाई है वो भी डाल सकती हैं, उससे भी बहुत ही बेहतर स्वाद आता है। आप घर की ताजी मलाई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं इसमें एक जितना हमने दूध डाला था उतना, यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम डालते ही देखिए दोस्तों इसका रंग भी बदल जाएगा और इसका स्वाद भी और बेहतर हो जाएगा। दोस्तों क्रीम डालने के बाद अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया न सिर्फ रंग अच्छा लग करता है सब्जी का, गार्निशिंग करता है, बल्कि हरा धनिया से एक बहुत अच्छे खूबसूरत फ्लेवर्स भी आते हैं सब्जियों में। आप जिस भी सब्जी में अगर पकते समय हरा धनिया डाल दें तो उससे खुशबू और अच्छी हो जाती है। अब दाल लगभग तैयार है, इसे 5 मिनट तक हम ढककर यूं ही रखेंगे और दाल हम सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं दाल अभी इस तरह की कंसिस्टेंसी में है, क्योंकि दाल ये जितनी देर आप रखते हैं और थिक होती जाती है, इसीलिए मैंने इसे इतना नरम बनाया है। आप जब तक इसे सर्व करेंगी और थिक हो जाएगी। दोस्तों मैंने इस पूरी दाल में 3 टीस्पून नमक डाला है। आप नमक हमेशा अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए, मुझे लगता है 3, अगर आपको इसमें कम लगे नमक तो आप और ऐड कर सकती हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं दाल बनकर तैयार है और इसका रंग भी बहुत खूबसूरत आया है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं।
गार्निश करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गर्मा गर्म दाल मखनी। मैंने तो ये बना ली और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी जल्दी से अपनी रसोई में ट्राई करेंगी और मुझे जरूर बताएंगे कि आप भी ये दाल मखनी कैसे बनी। आप इस दाल मखनी को गर्म गर्म नान परांठों के साथ खा सकते हैं। आप घर पर तंदूरी रोटी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। मैं जल्दी आपके साथ घर पर कैसे नान तंदूरी रोटी बनाई जाती है ये वीडियो भी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए आप सेहतमंद रहें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।